बार्क लेवल 2 यूडीसी एंड बर्क असिस्टेंट के रिजल्ट को लेकर काफी टाइम से कंफ्यूजन है। क्या कट ऑफ रह सकती है, आपका सेफ स्कोर क्या है, क्या आप सेफ हैं या नहीं है, तो इस बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अब कितने दिन की दूरी और रह गई है रिजल्ट के बीच में। बैक टू बैक बार्क रिजल्ट दे रहा है किसी न किसी वैकेंसीज को फुल करने के लिए, रिजल्ट आ रहे हैं बैक टू बैक, तो हम जानेंगे कि रिजल्ट डेट क्या रह सकती है अब इस हिसाब से जैसा कि रिस्पांस आ रहा है बार्क की तरफ से। तो शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक करके सारी बातें हम जानते हैं। ये बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपडेट आती है, 12 को आई, 14 को आई, 10 को आई, 5 को आई, इस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं बैक टू बैक। और ये कौन कौन से हैं देखिए, 2019 वाले भी हैं इसमें शामिल, 2021 वाले भी शामिल हैं, 2020 वाले भी शामिल हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि पहले 19 के आएंगे फिर 20 के आएंगे, मिक्स हैं, कोई सिक्वेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ये बात भी कहना गलत है कि सबसे पहले ये पुराने रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ये नया आएगा बार्क यूडीसी, क्योंकि आपको पता होगा ये बार्क यूडीसी वाला ये कोई 2020-21 वाला नहीं है, ये आपका बार्क यूडीसी वर्क असिस्टेंट का जो ये जो नोटिफिकेशन है ये 2019 का है, तो ये 2019 की ही वैकेंसी है, ये कोई 2021 की नहीं है। तो अब उनका भी टर्न आएगा और जैसा कि आपको पता ही है, मैंने बताया कि सारे रिजल्ट आ रहे हैं बैक टू बैक, तो अब हम जानेंगे कि आपका ये बार्क यूडीसी और वर्क असिस्टेंट का 2019 वाली ये वैकेंसी जो आपने एग्जाम दिया इसका रिजल्ट कब तक आ रहा है फाइनल रिजल्ट। उससे पहले आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि आप सेफ हैं या नहीं हैं, आपका स्कोर क्या हो रहा है, क्या इस कट ऑफ के अंदर आपका स्कोर आ रहा है, तो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में हम जान लेते हैं। इधर उधर से कट ऑफ देखकर बता देना ये अलग चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है आपकी कट ऑफ डिसाइड की कैसे जाती है। कट ऑफ डिसाइड की जाती है आपकी मैक्सिमम नंबर जिस शिफ्ट में आए हैं और मिनिमम नंबर जिस शिफ्ट में आए हैं उनका एवरेज लेके डिवाइड करके फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो ऐसे ही हवा में कट ऑफ डिसाइड नहीं हो जाती है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, यूडीसी में एससी कैटेगरी की शायद मुझे पता है 4 वैकेंसी थी, तो उसके लिए मैं कट ऑफ वैसे तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ये ब्लेम करता है कि नहीं एससी के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो मैं आपको आज बता दूंगा कि एससी में कट ऑफ कितनी जाएगी। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम यूडीसी की कट ऑफ देखते हैं, पूरी पहले यूडीसी की ही देखते हैं, जनरल कैटेगरी की। तो देखिए 68 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की आपकी कैटेगरी में यूडीसी की 63 प्लस के आसपास कट ऑफ जानी है। एससी की अगर बात करते हैं तो ये 59 प्लस ही जाएगी, मिनिमम 59 जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी। आगे बात करते हैं वर्क असिस्टेंट के लिए, तो देखिए जनरल कैटेगरी की वर्क असिस्टेंट की 128 प्लस कट ऑफ जाने के चांस हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं 124 प्लस जाने के चांसेस हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 116 प्लस जाने के चांसेस हैं, लेकिन मैंने प्लस लगाया है, माइनस नहीं लगाया, आप इस बात पे गौर करें, क्योंकि मुझे इससे कम जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, इतनी या इससे ऊपर ही एक दो नंबर जा सकती है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट की। जैसा कि आपको पता है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपडेट आ रही है और ये 2019 की ही वैकेंसी थी, 19 का ही नोटिस था आपका बार्क यूडीसी वर्क असिस्टेंट का। मैंने तो आपका एग्ज़ाम ये हुआ था उसके तीसरे दिन से ही मैं बता रहा हूँ कि आपका 20-22 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आना है, और मैं आज भी वही डेट बता रहा हूँ, 22 अक्टूबर के आसपास ही आपको बार्क यूडीसी और वर्क असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि आपका रिजल्ट आएगा कैसे, मतलब पहले यूडीसी का आएगा या वर्क असिस्टेंट का आएगा या दोनों का साथ आएगा। वैसे ऐसा हुआ है अभी तक कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ है, एग्ज़ाम भी आपका 1-2 दिन के अंतर पे हुआ, आपकी जो आंसर कीज आई थी वो भी 1-2 दिन के अंतर पे आई थी, तो उम्मीद यही है 99% कि आपका रिजल्ट भी 1-2 दिन के अंतर पर ही आएगा। और ये सिक्वेंस भी रहा है कि पहले यूडीसी का काम हुआ है, एग्ज़ाम भी पहले यूडीसी का हुआ था फिर वर्क असिस्टेंट का हुआ था, आंसर की भी पहले यूडीसी की आई थी, पहले आंसर की उसके बाद वर्क असिस्टेंट की आई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि सबसे पहले रिजल्ट भी आपका यूडीसी का ही आएगा। तो इंतज़ार करते हैं 22 अक्टूबर का, और ये एक 99% श्योरिटी वाली डेट है कि आपका 22 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पहले भी मिल सकता है अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, अगर कोई IBPS वाला बच्चा हो या SBI वाला बच्चा हो या ASRB वाला बच्चा हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, सीक्वेंस में वीडियो है टॉपिक वाइज, तो प्लेलिस्ट चेक कर ले, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे
वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिलेंगे। आराम से वीडियो देखिए, तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।